सर दो विधायकों ने इस्तीफा दिया है, कौन कौन है? और हमारे गुजरात विधानसभा के दो माननीय विधायकों ने कल शाम को रेजिग्नेशन वॉलंटरीली दिया है, अपनी खुशी से दिया है। उसकी मैंने तहकीकात की है, उनसे पूछा की है, कोई दबान उनके ऊपर नहीं है, कोई धमकी नहीं है, कोई लालच तो नहीं है। उन्होंने राजी खुशी से ये रेजिग्नेशन दिया है मेरे को, मैंने उसे मंजूर किया है। करजन विधानसभा के अक्षय भाई पटेल, माननीय अक्षय भाई पटेल ने रेजिग्नेशन दिया है, उसको मंजूर किया है। और कपराड़ा के माननीय धारा सभ्य श्री जीतू भाई चौधरी, उन्होंने भी ये रेजिग्नेशन मेरे पास आए और अपनी खुशी से, स्वखुशी से रेजिग्नेशन दिया है, वो भी मैंने मंजूर किया है। तो ये दो धारा सभ्य जो हैं हमारे गुजरात विधानसभा के, वो अब धारा सभ्य नहीं रहे हैं। एक्सलेंसी, आपसे इस डिजिटल माध्यम से मिलकर मुझे बहुत खुशी तो है ही है, लेकिन थोड़ी निराशा भी है, क्योंकि हमें भारत में आपका गर्मजोशी से स्वागत करने का अवसर नहीं मिल पाया। पहले जनवरी में और फिर पिछले महीने हम आपकी भारत यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों ही बार यात्रा स्थगित करनी पड़ी। हमारी आज की मुलाकात आपकी भारत यात्रा का स्थान नहीं ले सकती है। एक मित्र के नाते मेरा आपसे आग्रह है कि स्थिति सुधरने के बाद आप शीघ्र सपरिवार भारत यात्रा का प्लान करें और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। Killing of an elephant in Kerala is shocking. If somebody gives firecrackers in pineapple and they get burst in the mouth, and therefore if elephant dies, this is very cruel and this is not Indian culture. Therefore, we have taken this killing in Kerala very seriously. For solving the animal-human conflict situation, we have already taken up
fodder and water augmentation in forest areas. But this kind of killing is absolutely unacceptable, and we have already deputed our senior officers there, and we will nab the culprits and punish them.